किया स्टूपिड, तूने झगड़े में करण के साथ मेरी वाटर बॉटल तोड़ दी है। मैंने नहीं तोड़ी है। तो क्या ये अपने आप टूट गई है? पहली बात तो है कि वाटर बॉटल मैंने तोड़ी नहीं है, और दूसरी बात है कि ये वाटर बॉटल सिर्फ मेरी है, मेरी तुम्हारी। हेलो, ये वाटर बॉटल मैंने तुझे गिफ्ट करी है। हाँ, गिफ्ट कर दी तो अब इतना चिल्ला क्यों रही हो? तुझे तो कुछ गिफ्ट करना ही नहीं चाहिए। इतनी मुश्किल से मैंने पैसे बचा बचा के अपने पिगी बैंक में जमा किए थे। इस बार देखना बर्थडे पे तुझे ठेंगा मिलेगा। ठेंगा ठेंगा? हाँ, कुछ मत देना मुझे। वैसे भी तुमसे गिफ्ट मांगता ही कौन है? पापा मम्मी से लूंगी मैं गिफ्ट। जब मैं मम्मी को दिखाऊंगी ना तुमने गिफ्ट का क्या हाल किया है, तो देखती हूँ मम्मी तुम्हें गिफ्ट कैसे देती है। लेकिन मैंने वाटर बॉटल नहीं तोड़ी है। तो क्या ये अपने आप टूट गई? नहीं, मैंने नहीं तोड़ी। मैंने नहीं तोड़ी है। बताओ किसने तोड़ा? किसने? सचिन ने। सचिन ने? हाँ, सचिन ने। आज तुमने उसे गुस्से से बात की थी ना, इसीलिए हो सकता है कि उसने ये वाटर बॉटल तोड़ दी हो। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं सचिन से ही पूछ कर आती हूँ। दीदी दीदी दीदी, आप यहाँ बैठो, मैं सचिन को ना यहाँ ही बुला रहा हूँ। ये रिया भी ना, उफ। सचिन, तुम्हें दीदी बुला रही है। क्यों? पता नहीं क्यों अभी ही बुला रही है। अच्छा ठीक है। आपने बुलाया हमें? हाँ। तुमने वो वाटर बॉटल क्यों तोड़ी? वाटर बॉटल? हाँ हाँ, वो पानी की बोतल। नहीं, हमने कोई बोतल नहीं तोड़ी। देखो तुम झूठ मत बोलो, जब रिया वाटर बॉटल ऊपर लेकर आई थी तो वो पहले से ही टूटी हुई थी, समझे? नहीं। तुम्हें देखनी है? मैं अभी दिखाती हूँ, रुको। अरे यहीं पर तो थी, कहाँ गई? क्या ढूंढ रही हैं आप? वो बोतल, पानी की बोतल। अच्छा, पानी की बोतल? वो तो रिया के हाथ में देखी है हमने। ओह गॉड, ये रिया भी ना एकदम स्टूपिड है। उसको वाटर बॉटल यहाँ से ले जाने की क्या जरूरत थी? अच्छा ठीक है, अब लेकर आते हैं। ये क्या कर रही हो तुम? तुमने हमारे बैग को क्यों हाथ लगाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंडा बाहर निकालने की हमारे बैग से? हमसे बिना पूछे तुम हमारी चीजें क्यों बाहर निकालती हो? बोलो। झूठ तुम बोलते हो, उल्टा मुझे डांटते हो। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम्हारे बैग में कुछ नहीं है सिवाय कपड़ों के? बताओ, ये निकला ना तुम्हारे बैग से? ये हमारा अंडा है, इसे हमने ढूंढा है और हम इसे किसी को भी नहीं देंगे। मैं कहाँ कह रही हूँ कि मुझे दे दो, मैं तो सिर्फ ये देख रही थी ना। तुमने अब इसे देख लिया ना, अब जाओ। वैसे भी इसकी हालत बहुत खराब हो रही है, और इसे छू छू कर तुम इसकी हालत और भी खराब कर दोगे। अरे ये तो फिर से ठीक हो गया, ये तो फिर चमक रहा है। क्या किया तुमने इसे? मैंने? हाँ, क्या किया? तभी तो ये चमक रहा है ना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसे सीधा बैग से निकाला और इसे मैंने टेबल पे रख दिया। इससे पहले मैं ये अंडा तोड़ती तुम आ गए। ये तो गीला है। समझ गए, समझ गए हम। क्या समझ गए? जब ये अंडा पानी के अंदर रहता है तो ठीक होता है, और जब ये पानी से बाहर आ जाता है तो फिर खराब हो जाता है। क्या मतलब? ये मछली का अंडा है जो पानी के बाहर नहीं रह सकता? ये मछली का अंडा नहीं है, ये डायनासोर का अंडा है। एक मिनट, Yeah.
हो रही है। अब हमने तुम्हें अंडे के बारे में भी तो बता दिया है, अब तो तुम हमारे दोस्त हो ना। नहीं, हम दोस्त नहीं है। क्यों? तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम्हारे बैग में अंडा है। तुमने तो कहा तुम्हारे बैग में कुछ नहीं है, ये तो मैंने खुद देखा है। मगर अब तो पता चल गया ना, तो अब तो हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। हाँ, बन तो सकते हैं। तो मिलाओ हाथ। रिया, अपने इस नए दोस्त की एक बात मानोगी? क्या? इस अंडे के बारे में तुम किसी को भी मत बताना। क्यों? मैं तो बताऊंगी, और जब मैं उन्हें बताऊंगी ना, देखना उन्हें कितनी जलन होगी कि मेरे पास ग्लो करने वाला अंडा है। क्या करने वाला? ग्लो करने वाला। ग्लो मतलब GLOW, ग्लो। ग्लो मतलब चमकना, और हमारा अंडा भी चमकता है, इसीलिए उसे ग्लो करने वाला अंडा कहते हैं। अच्छा ठीक है, अब तो हम तुमसे अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो तुम हमारी टीचर बन गई। तो तुम हमारी एक बात मानो ना, किसी को भी अंडे के बारे में मत बताना। लेकिन क्यों? देखो अभी अंडा बहुत ही छोटा है, और अगर किसी ने इसे देख लिया और चोरी कर लिया तो? कौन चोरी करेगा, हम किसी को देंगे नहीं। तो तुम सबको बता दोगी? हाँ बता दूंगी। तुम चॉकलेट खाओगी? चॉकलेट? रुको हम अभी लाते। रिया के लिए ये रही तुम्हारी चॉकलेट। इतनी सारी चॉकलेट कहाँ से आई तुम्हारे पास? हमारे डलहौजी के दोस्तों ने दी थी। वाओ कितनी अच्छी है। अब तो तुमने खा ली ना, अब किसी को नहीं बताओगी ना अंडे के बारे में। और बॉक्स में कितनी है? मुझे एक ही दोगे तुम? नहीं, जितनी चाहिए ले लो। तुम नहीं खाओगे? ले लो। अब तो तुम्हें सबकी सब चॉकलेट ले ली है, अब तो किसी को नहीं बताओगी ना अंडे के बारे में। अब मैं किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि अब हम दोस्त हैं, ये तो हमारी सीक्रेट है। अब मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो हाथ मिला। मिस्टर राहुल, जवाब चाहिए मुझे। मुझे बताइए कि ऑफिस में बगैर इन्फॉर्म किए हुए आप इस तरह से कहां चले गए? मिस्टर राहुल, दिस इज SRO, वी नीड डेडिकेटेड वर्कर्स हियर। सच्चाई ये है मिस्टर राहुल कि अभी का बहाना बनाकर तुमने अपना एलियन वाला रिसर्च फिर से शुरू कर दिया, क्या ये ठीक है? मिस्टर राहुल, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूं, लेकिन मेरे ऊपर सेंटर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि सेंटर तुम्हारी इस तरह की पर्सनल रिसर्च, वो भी बिल्कुल बेसलेस रिसर्च को कभी बढ़ावा नहीं दे सकता। मिस्टर राहुल, लास्ट टाइम मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, अगर फिर से मुझे मालूम पड़ा कि तुमने अपना ये पर्सनल रिसर्च फिर से शुरू कर दिया जिसमें या तो टाइम या रिसोर्सेस वेस्ट हो रहे हैं, तो मुझे मजबूरन कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। क्या हुआ? क्या कहा खुराना ने? कोई मेरी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है, मुझे वार्निंग मिली है। डोंट वेस्ट आवर टाइम एंड रिसोर्सेज। मैं जो रिसर्च कर रहा हूं ना, पता अगर मैं उस रिसर्च में कामयाब हो गया ना, तो यही लोग कहेंगे कि राहुल बिलोंग्स टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। मैं क्या अपने काम से मुंह मोड़ रहा हूं? नहीं ना, मैं कह रहा हूं बतरा कुछ तो है। अभी कुछ ऐसे सबूत लेकर आया था कि लेकिन मैं इन लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं? कोई तुम पर यकीन करे या ना करे, मुझे तुम पर यकीन है, और देखना तुम्हारे इसी यकीन पर एक दिन सारे लोग यकीन करने लग जाएंगे। राहुल तुम मुझे बताओ करना क्या?
बत्रा, मैं डिस्टर्ब तो नहीं किया? You want an honest answer, Mr. Gambhir? I did not ask you, Batra. कोई काम गंभीर? एक काम है कहाँ? काम तो तुम कर रहे हो। डलहाउजी में एलियंस को पकड़ लिया तुमने? एलियंस को? That's none of your business. Yeah, I know it's not my business, but I can see कि ये तुम्हारा business जरूर बन गया है। एलियंस की मनगढ़ंत कहानी पर यकीन करके राहुल तो अपना करियर दांव पे लगा ही चुका है। यही गलती तुम भी कर रहे हो, समझे? अभी याद है? अभी राहुल का दोस्त अभी, उसे भी राहुल के ऐसी ही बातों पर यकीन था। फाइनली क्या हुआ? आज तक उसका पता नहीं चला। अरे ये तक पता नहीं चल पाया है कि वो जिंदा भी है या मर गया है। I'm scared. तुम्हारा भी यही अंजाम ना हो। गंभीर, तुम्हें क्या लगता है? मेरी उम्र एक 4 साल के बच्चे की है। मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। मेरे काम में दखल देना बंद कर दो। ओके, दखल नहीं देते, सलाह तो दे सकते हैं। राहुल, अगर तुम ये समझते हो कि ये रिसर्च करके तुम बहुत नाम कमा लोगे, फेमस हो जाओगे, Just forget it. भूल जाओ राहुल, क्योंकि इस साल का SRO का अवार्ड तुम्हें नहीं, मुझे मिलेगा। मुझे, मेरी रिसर्च के लिए। एलियंस। एलियंस। हेलो। हाँ राजी, बोलो। हाँ राहुल, खुराना ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ऐसे बिना लीव के जाने पर? मुझे तो खुराना ने वार्निंग दी है और उसने मुझसे कहा है कि स्टे अवे फ्रॉम योर पर्सनल रिसर्च। मैं तो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। बट दिस इज रिडिकुलस। उससे भी ज्यादा रिडिकुलस है गंभीर, आ गया मेरे जरे पर नमक छिड़कने। मुझसे कहता है कि इस साल का बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड वही लेकर जाएगा। चैलेंज कर रहा है मुझे। वो अवार्ड तो हर साल तुम्हें मिलता है राहुल, और इस साल भी तुम्हें ही मिलेगा। तुम्हारी ब्रिलियंस को पूरा ऑफिस मानता है, और तुम्हारी पुरानी रिसर्च ने जो SRO को नाम दिया है ये भी वो लोग जानते हैं। हाउ कैन ही टॉक लाइक दिस? तुमसे सब लोग जलते हैं राहुल, एंड स्पेशली गंभीर। यू रिलैक्स राहुल। आई एम ट्राइंग टू रति, ये कॉन्फ्लिक्ट मुझे खुद ही रिजॉल्व करना होगा। लेकिन तुम कैसे करोगे राहुल? ऑफिस का काम भी तो तुम्हें ही करना पड़ता है ना। देखो राहुल, जो भी फैसला लेना बहुत सोच समझ कर लेना। रिलैक्स रति, मैं रिजाइन नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास जो एविडेंस है, जो प्रूफ है मेरे पास, मैं उसे किस तरह से यूज करूँ और किसी नतीजे पर पहुँचूँ। राहुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं तुम्हें कोई एलियन मिल गया तो तुम उसे कहीं अडॉप्ट ही ना कर लो। जिस तरह से लाइफ चल रही है, मुझे भी ऐसी लगता है कि मैं किसी एलियन को अडॉप्ट करके ही। एनीवे, आई एम रियली बिजी। I'll call you later. You take care. Bye. ये लड़की भी ना कहीं भी अपनी किताबें रखती है। रिया, रिया अपना बैग लेकर जाओ। रिया, सुना नहीं? लाइए आंटी, हम आपकी मदद कर देते हैं। रिया कहाँ है बेटा? वो ऊपर पढ़ रही है, तो हमने सोचा कि हमें उसका बैग ले जाते हैं। ठीक है, ले जाओ। वॉशिंग मशीन वाले को भी तो फोन करना है। कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स के कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स।
हेलो, कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स जी, मैं स्वीट होम सोसाइटी से बोल रही हूँ। मेरी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, प्लीज आप किसी को भेज दीजिए। हाँ, आप मेरा एड्रेस लिख लें। ड्राइवर अंकल ने कहा था जितना बड़ा नाम उतने ज्यादा पैसे, मतलब इसमें सबसे बड़े नाम वाले को हमें ढूंढना है। लेकिन मम्मी को बताया नहीं ना कि मैं यहाँ कॉमिक्स पढ़ रही हूँ। नहीं, हमने उन्हें सिर्फ इतना ही कहा कि तुम यहाँ पढ़ रही हो। थैंक यू, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। अगर तुम मेरे साथ ऐसे ही रहे तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी तुम्हारे अंडे के बारे में। रिया तो मासूमा से भी बहुत तेज है। मासूमा हमसे काम करवाती थी मगर कभी कभी हमारी मदद भी करती थी, लेकिन ये तो अंडे का नाम लेकर सुबह से हमसे काम करवाई जा रही है। बस एक बार हमारा ये अंडा बिक जाए, हम आज रात को ही इसको बेचने का इंतजाम करेंगे। इतना बड़ा नाम उतने ज्यादा पैसे, मतलब हमें इस किताब में से सबसे बड़े नाम ढूंढने हैं। तो छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी बहुत छोटा है। राज शेखर लक्ष्मी नारायण वेंकट साई, हाँ ये नाम बड़ा है, हम इन्हीं को फोन करेंगे। सचिन,